गुडांसी डॉक्टर सचिन मुगे बिलोंग्स टू कांजुरबाग मुंबई। गए 28 मंथ से ये सफर चालू हुआ है। ये बिजनेस में जब ज्वाइन किए थे तभी शुरुआत ये 6 से 7 महीना ऐसे ही बैठ गए क्योंकि डॉक्टर था, डॉक्टर तो बड़ा ईगो रहेगा ही, तुरंत तो ज्वाइन नहीं करूंगा। तो ऐसे ही मैं मेरे ग्रेट अपलाइन प्रशांत मोरे सर, पेशेंस के बादशाह उनको बोलते हैं, हम पेशेंस के बादशाह प्रशांत मोरे सर ऐसे ही क्लिनिक आए थे। और जैसे ही वो क्लिनिक में आते थे हमेशा मुझे IMC का टी शर्ट देख के बहुत गुस्सा आता था, इतना गुस्सा आता था कि मैं बोलता था क्या है ये बार बार IMC वाले आ जाते हैं। सर का पेशेंस इतना था, शाम को 7 बजे मेरे क्लिनिक में आते थे और 11 बजे तक मेरे पेशेंट ही चलते रहते थे। 11 बजे तक सर बैठे रहते थे उधर, और 11 के बाद में सर को मैं अंदर रहता था, उसके बाद में सर बताते कुछ ना कुछ बताते थे, फिर से चले जाते थे। ऐसा लगभग 6 महीना गया हम लोग उसमें रिसर्च करने में। मतलब डॉक्टर तो थोड़ा रिसर्च वगैरह सब करूंगा ही, क्योंकि देखा था तुलसी का डेमो, सबने देखा है तुलसी का, देखा था कि थर्माकोल को डिसॉल्व करती है। तो मन में बहुत सारे डाउट्स कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये सब डाउट्स मन में चल रहे थे कुछ ना कुछ। उसके बाद में जब पेशेंट के ऊपर रिजल्ट देना चालू किया, पेशेंट के ऊपर बहुत सारे रिजल्ट आए, फिर घर में भी बहुत सारे रिजल्ट आए। उसके बाद में October 6, 2019 यही हॉल में अजय सर का मीटिंग लगा था, और मैं वहां पे पीछे, हम लोग भाई और मैं हम लोग पीछे बैठे थे, और वो टाइम मेरा कुछ लेवल भी नहीं था। जैसे ही सर का सेशन सुना October 2019 में, एक ही महीने में 126 जॉइनिंग के साथ गोल्ड स्टार लेवल अचीव किया। उसके बाद में लगातार काम करते गया, 6 महीने में 13 स्टार लेवल अचीव किया। उसके बाद काम करते गया एक ही पहले से मकसद था, काम करना है तो कंसिस्टेंसी से काम करना है, लगातार काम करते जाना है। जिस दिन हम लोग ने बिजनेस को स्टार्ट किया था, आज मेरे पास वो डायरी भी है, तभी भाई को बोला था मैंने, अगर ये सिस्टम में उतरेंगे तो हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। IMC में तो बहुत लोग ज्वाइन होते हैं, लेकिन मेरा मकसद ज्वाइन होने का हिस्ट्री क्रिएट करने का था, और ये बस शुरुआत ही हुई है। आगे जाके बहुत सारे अचीवमेंट आपको आने वाले समय में दिखने वाली है। उसके बाद में लाइफ का सक्सेस, आपको चाहिए तो सक्सेस आपको सैक्रिफाइस मांगती है, वैसा ही लाइफ का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया जो कि मेरा सेट क्लिनिक था। मेरे अपलाइन को भी पता है मेरा क्लिनिक कितना चलता था, इतना सब मेरा सेट क्लिनिक, ऑलरेडी मैं 2 से 3 लाख रुपए क्लिनिक से कमाता था, सब बंद कर दिया। दैट्स द पावर ऑफ IMC बिजनेस। IMC बिजनेस से ही पॉसिबल हुआ कि मैंने मेरा क्लिनिक जनवरी 2021 में डिसीजन लिया बड़ा, और मेरा क्लिनिक बंद कर दिया। क्लिनिक बंद करने के बाद मैं लगातार काम करते गया, और 28 मंथ्स का टोटल सफर में एम्बेसडर स्टार लेवल अचीव किया। सफलता आपको चाहिए तो आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। जब तक आप IMC बिजनेस को प्रायोरिटी देंगे नहीं, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। वैसे डेडिकेशन देता गया, और फिलहाल का मेरा डेडिकेशन आप सुनेंगे तो हैरान हो जाओगे। मैं महीने के 25 दिन घर से बाहर रहता हूँ, खाली 5 ही दिन घर पे रहता हूँ, ये डेडिकेशन है मेरा। ऐसे लगातार काम करता गया, जितने जितने ऑफर्स आए, जितने जितने अचीवमेंट आए, पहले से मेरा एक ही था कि कौन सा भी ऑफर आया तो वो हम लोग के लिए ऑफर आया, ये ऑफर हम लोग को लेना है, ये कुछ भी करके ऑफर्स के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करते गया। ऑफर्स के ऊपर काम करते करते आज तक ऐसा कोई ऑफर नहीं है जो हम लोगों ने अचीव नहीं किया। तुरुष का ऑफर अचीव किया। उसके बाद में हरिद्वार ऑफर 2 टाइम अचीव किया, गोवा ऑफर आया, गोवा ऑफर भी अचीव किया, श्रीलंका ऑफर आया वो भी अचीव किया। उसके बाद में उसके पहले बाली का अचीवमेंट आया वो भी अचीव किया। उसके बाद अभी कश्मीर का अचीवमेंट आया वो भी अचीव किया। मतलब जितना ऑफर आया वो सब अचीव करते। ये क्यों हुआ? क्योंकि सबसे बड़ा प्लानिंग। आपको अगर ये बिजनेस में सक्सेस होना है तो बड़ा प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर आप प्लानिंग करेंगे तो ही आप सक्सेस हो पाओगे, नहीं तो फिर आपका जो जिंदगी चल रहा है वैसे चलता रहेगा। सक्सेस आपको घर आके मिलने नहीं वाला है, आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा, उसमें उतरना पड़ेगा, खुद को झोंक देना पड़ेगा। जब तक आप झोंक नहीं देंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। आग लगनी चाहिए, वैसे आग मुझमें लगी थी जब ये सिस्टम को मैंने
चालू किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आईएमसी के फाउंडर अशोक भाटिया सर एंड हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सत्यम भाटिया सर, सब लोग खड़ा होके तालियां बजाइए सब लोग। क्योंकि मेरा जो बिजी शेड्यूल था डॉक्टर का 2 से 3 लाख ऑलरेडी कमा रहा था, उसमें मैं लेकिन सैटिस्फाई नहीं था, क्योंकि डॉक्टर के पास एक ही कमी रहती है, टाइम। टाइम बिल्कुल भी नहीं था, तो आज मुझे इतना टाइम मिला है कि मैं पूरा टाइम फ्रीडम दे चुका हूँ आईएमसी से। मैंने पूरा टाइम फ्रीडम दिया हूँ और फाइनेंशियल फ्रीडम के इसमें सफर चालू हुआ है, आगे जाके चालू रहने वाला है। कमिटमेंट की बात करें तो मेरा कमिटमेंट हमेशा 100% रहता है, ये मेरे अपने को सबको पता है। मेरे थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी टू ऑल माय अपलाइंस, डॉक्टर अमोल कदम सर, प्रशांत मोरे सर और ग्रेटेस्ट अपलाइन वन एंड ओनली डायरेक्टर के ऊपर सीनियर स्टार डॉक्टर अजय शर्मा सर, सब लोग खड़े होकर तालियों में बजाइए सब लोग। एम्बेसिडर बनने के बाद में लाइफ में ऐसा सब कुछ हो रहा है जो कभी जिंदगी में सोचा नहीं था, डॉक्टर के लाइफ में भी आगे जाके इतना सब चेंजेस होगा। प्रयागराज के धरती पे सर ने ऐसा सेलिब्रेशन किया कि लोग जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि ऐसा सेलिब्रेशन होगा। आज भी सोता हूँ तो ऐसा लगता है कि ना सब फूली बरस रहे हैं, मतलब आज भी मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी के ऊपर फूली बरस रहे हैं। इतना बड़ा लेवल का सेलिब्रेशन, जो जैसे सर ने बोला था कि ना शादी में भी हो नहीं था, ऐसा इतने बड़े लेवल का सेलिब्रेशन सर ने किया जो मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलने वाला। इतना बड़ा सेलिब्रेशन किया, सर ने खाली एक ही फोन किया कि सचिन जी आपको आना है, कोई चैलेंजेस नहीं है, बस सर ने एक बार बोल दिया तो कमिटमेंट लिया, वेटिंग में गया, खड़ा हो गया लेकिन गया। बहुत बिल्कुल सोचा नहीं किया खड़ा हो गया 24 से जाऊंगा, कमिटमेंट दिया था तो करूंगा ही। उसके बाद में मेरा सबसे बड़ा कमिटमेंट मिशन 2025, सबसे बड़ा कमिटमेंट यह है, बस एक ही सपना 10 सीपी अपना 10 सीपी 10 सीपी में मेरे टीम से निकलने वाला हूँ मेरा चालू किया, तो वो रिजल्ट मिलते 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 आगे जाके सिलसिला टर्न हुआ बिजनेस में, क्योंकि मेरे को पर्सनली लग रहा था कि अगर इतने अच्छे प्रोडक्ट है और अगर मैं कांजूरमार्ग में प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं खाली कांजूरमार्ग तक ही लोगों को उसका फायदा दे सकता हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा और बड़ा सोचा और मैं चलो पूरा महाराष्ट्र में या पूरे इंडिया में मेरे से जितना हो सकता हम लोग कोशिश करेंगे, इसके लिए हमने बिजनेस करने का डिसीजन ले लिया। वो डिसीजन जब भी लिया था तभी एक ही मन में था कि यार सब लोगों के मन में वो रहता है अगर सामने से किसी ने रिजेक्ट किया तो क्या करने का, आता है ना सबके मन में, बहुत डर रहता है वो चीज का। तो देखो एज अ डॉक्टर मैं बताता हूं, रिजेक्शन मेरे को भी आया था क्लिनिक में, मेरे पेशेंट ने भी मेरे को रिजेक्ट किया था। अगर मैं वो टाइम पे यही सोचते बैठता अरे पेशेंट भी मेरे को रिजेक्ट कर रहा है तो ये बिजनेस में कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा, हम लोग बिजनेस नहीं करेंगे खाली प्रोडक्ट यूज करेंगे, लेकिन वैसा नहीं किया मैंने। मैं बताते गया आपको भी वही करना है, बताते जाना है। जो सुन रहा है वो आपके साथ आएगा, जो नहीं सुन रहा है वो बाद में आएगा, ये भी ध्यान में रख लो। जब भी आपका अचीवमेंट होगा वो 100% बाद में आएगा, क्योंकि हम लोगों को जिन लोगों ने ना बोला था वो सब लोग आज वापिस आ रहे हैं, ये अचीवमेंट देख के आ रहे हैं। और रही बात प्रयागराज की, प्रयागराज के धरती पे हमारे डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार मेरे ग्रेट 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 अपलाइंट डॉक्टर अजय शर्मा सर के लिए एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए, प्लीज एक बार खड़े हो जाइए, बाद में नहीं खड़ा करूंगा प्लीज। थैंक यू। सर ने ऐसा सेलिब्रेशन किया कि मैं सच में नहीं सोचा था कि लाइफ में कभी ऐसा सेलिब्रेशन मैंने देखा भी नहीं था, और हमारे ऊपर खुद के ऊपर ऐसा सेलिब्रेशन हमारा खुद का होगा ये तो कभी नहीं सोचा था हम लोगों ने, लेकिन वैसा सेलिब्रेशन सर ने हमारा किया ये जिंदगी भर में कभी नहीं भूलेंगे। चाहे आज हम आईएमसी में इतना कमा रहे, कल ज्यादा कमाते रहेंगे, कभी कम कमाते रहेंगे, लेकिन ये चीज कभी नहीं भूलेंगे, इतना अच्छा सेलिब्रेशन सर ने किया। और रही बात 2019 की, 2019 में हम लोगों ने बिजनेस ये हॉल से स्टार्ट किया था, यहाँ पे डॉक्टर अजय शर्मा सर चीफ गेस्ट थे और वहां पे लास्ट में हम लोग बैठे थे। आज मेरे पास वो फोटो पड़ी है, डॉक्टर अमोल कदम सर मेरे ग्रेट अपलाइन है, उनके लिए भी एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए।
कि एक बिजी शेड्यूल में से डॉक्टर को बाहर निकाला और ये बिजनेस में लाके यहाँ पे खड़ा कर दिया। मतलब 2019 में सर के लीडरशिप में, डॉक्टर अजय शर्मा सर के लीडरशिप में और आईएमसी के सिस्टम में इतनी ताकत है 2019 में वहां पे बैठा हुआ बंदा आज सर के सामने ये स्टेज पे आके खड़ा होके बात कर रहा है इतने जोर से। इतना मेरे को कुछ भी नहीं आता था, मैं डॉक्टर हूँ, खाली पेशेंट को देखना, पेशेंट के बारे में नॉलेज ना, इतना ही मालूम था। लेकिन जिस दिन जब हम लोग एक ही महीने में गोल्ड हुए थे, गोल्ड होने के बाद माइक में हाथ में माइक पकड़ा था, माइक ऐसा कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या बात करना है। इतना कम समय में इतनी अचीवमेंट दी थी, ये आईएमसी बिजनेस की सिस्टम की और अपलाइन की पावर की ताकत है। तो इसको समझिए और जाते जाते एक ही मैसेज देना चाहूंगा, 2025 का जैसा सपना बताया हमारा, 10 सीपी हमारा रहेगा ही रहेगा 2025 में। और देखो डरो मत, बहुत सारा लाइफ में हम लोग यही सोचते कि क्या कहेंगे लोग, लोगों का काम कहना ही है, सबसे बड़ा रोग है वो, क्या कहेंगे लोगों से डरो मत। क्योंकि एक ही बात बताऊंगा, लोगों का दिन आता है, दिन क्या आता है, लोगों का दिन आता है, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, अपना तो जमाना आएगा। थैंक यू। जबरदस्त सेलिब्रेशन और जो फूल के पत्ते अभी भी गिर रहे हैं मेरे प्रोमो में दिखे रहेंगे आपको, तब सबसे ज्यादा फूल की जड़ी मेरे प्रोमो मतलब मेरे प्रमोशन में ही लगाई थी, दो मशीन लगाई थी इधर से उधर से दोनों अपना, और पत्ते खत्म ही नहीं हो रहे थे अभी भी डांस चालू है। तो ऐसा जबरदस्त सेलिब्रेशन कभी भी लाइफ में नहीं हुआ था। और डॉक्टर के लाइफ में जो कमी थी, हम अभी अनमोल सर जी एक बात बोल गए कि ऑलरेडी हम लोग 2-3 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन 2-3 लाख रुपए में वो सेटिस्फेक्शन नहीं है जो ये दुनिया में है। 2-3 लाख रुपए जैसे आज मैं 100 पेशेंट को भी ठीक करूं, इंजेक्शन दूं, दवाई दूं, वो आके बोलेंगे डॉक्टर ठीक हो गया, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी, मेरे पेशेंट बढ़ेंगे, लेकिन कभी भी एक पेशेंट ने गुलाब तक नहीं दिया लाके। तो ये एप्रिसिएशन वाला जो पार्ट है डॉक्टर के लाइफ में बहुत कम है, और अभी के और नेक्स्ट जनरेशन में और कम होता जा रहा है ना। कितने लोग प्यार से बोलते कि मेरा डॉक्टर अच्छा है, कितने लोग बोलते हैं ऐसे, पहले क्या आती है अभी ये डॉक्टर लूटते है, यस और नो। और जितने भी आईएमसी परफेक्टली कर रहे हैं वो ज्यादा बोलते हैं, यस और नो। तुम्हें मेरा जो सक्सेस है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन
डॉक्टर राजवर जी, डॉक्टर मिस्टर अनावरे जी और हमारे सबके प्यारे महागुरु डॉक्टर अजय शर्मा जी, जिनको साउथ अफ्रीका की महान हस्ती नेल्सन मंडेला उनकी इंस्टीट्यूट से ये पुरस्कार दिया गया है और उन्हीं के टीम में हम सब लोग बिलोंग करते हैं, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की चीज है। तो इनके लिए एक बार जोर लगाने होना चाहिए। जैसे हमारे देश में गांधी जी है, वैसे साउथ अफ्रीका देश में नेल्सन मंडेला जी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है और उनका पुरस्कार मिलना ये बहुत बड़ी नामुमकिन चीज है। तो ये पुरस्कार मिलना हमारे लिए टीम का पुरस्कार है, ऐसा हमको गर्व होता है। तो सच में यस, आईएमसी की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए पैसा तो हम लोग देख रहे हैं कि सर इतना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इतना पैसा कमाने के बाद बाहर भी लोग 20-25 लाख कमा रहे हैं, लेकिन ये वाली उपलब्धि कभी भी हासिल नहीं हो सकती थी कि मैं पैसा कमा रहा हूं और ये वाला पुरस्कार मुझे मिले। तो ये आईएमसी की उपलब्धि और सर का इतना ग्रेट वर्क हमारे इंडिया के लिए बना हुआ है। इंडिया के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज सर बोल रहे, देखो अनमोल जी ने यहाँ पे 1.5-1.25 करोड़ का फ्लैट लिया है और ये किसके वजह से बावजूद पॉसिबल हुआ? सर के नॉलेज की वजह से और हमारे सिस्टम की वजह से। ऐसा कौन सा सिस्टम है जहाँ पे लोग दूसरे को पैसा कमा के देते हैं? है ऐसा कोई सिस्टम? ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं। और ये सिस्टम ऐसा है कि दूसरे लोग को पैसा कमा के दे रहा हूँ। ये जो मैडम बोले कि गर्व वाला बात है कि जब हम लोग गुड एमसी बोलते हैं सामने वाले 10 रिप्लाई आते हैं, तो यही इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खासियत है। पैसा इसमें बाय प्रोडक्ट है, हम लोग बोलते हैं हमेशा बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। हम लोग एज ए डॉक्टर ये हमेशा बोलेंगे पैसा बाय प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो खास हमको पहचान दी जाती है, खास हमारी जो सेलिब्रेशन की जाती है, खास हमको आउटडोर ट्रिप दिए जाती है, ये सब इसमें हमको खास बना देती है। तो इसमें मेरे इस सक्सेस में हमारे एरिया मैनेजर गोपाल गुप्ता जी का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हर दिन उनका कुछ ना कुछ सेशन चालू रहता है और हम लोग उसको प्रमोट करते रहते हैं। भले ही हम हमारे टीम में नॉलेज ना दे पाए बहुत बार, लेकिन उनका वर्चुअल मीडिया के हिसाब से बहुत जनों को हमारा मैसेज जाता है और बहुत सारी टीम उनको फॉलो करती है। तो ये कंपनी का जो वर्क है और उनके थ्रू जो हो रहा है उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और ऐसे ही हमारे लिए मीटिंग हमेशा अरेंज करते रहे, थैंक यू। एंड सबसे बड़ा जो मेरा आज सक्सेस का जो श्रेय देना चाहूंगा वो मेरे पिताजी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गुड आइम्स।